कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल है। वो अभी एक बुरे सपने की नींद से जागा है। उसे जल्दी से तैयार होकर अपने काम पर जाना है। माइकल एक कैसीनो में वेटर है। वो यहाँ बहुत मेहनत से काम करता है। उसे यहाँ काम करते हुए 3 महीने हुए हैं। यहाँ पता चलता है कि वो जो कुछ भी करता है वो खुद को फायदा पहुँचाने के लिए करता है, जिसका खुलासा तब होता है जब वो अपना मास्क उतारता है। एक रात माइकल अपना काम शुरू करता है। वो अपना काम करने में अब तक बहुत माहिर हो चुका है। वो कैसीनो की मशीन से खेलना शुरू करता है। वो VIP कार्ड्स को चुराता है और एलिवेटर को हैक कर लेता है, जो सिर्फ बड़े दाव वाले खिलाड़ियों के लिए बने स्पेशल रूम में जाने के लिए है। माइकल टेबल पर एक चश्मा पहनता है जिसकी मदद से वो दूसरों के कार्ड्स देख सकता है, जिससे वो जीतता भी है। और खेलते खेलते वो 5 मिलियन यूरो जीत जाता है। पर उसके लिए अब बुरा वक्त शुरू हो जाता है जब वहाँ एक दूसरा आदमी टेबल पर आता है जिसका नाम एलेक्स है, जिसके पास पावर्स है कि वो किसी का भी विजन बदल सकता है। माइकल जो बहुत कॉन्फिडेंट था वो यहाँ पर हार जाता है, क्योंकि जो कार्ड्स उसने अभी यहाँ देखे थे वो उसका भ्रम था और ये भ्रम एलेक्स ने क्रिएट किया था। माइकल अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एलेक्स का पीछा करता है, पर यह भी उसका भ्रम साबित होता है। वो उसको पकड़ नहीं पाता। उसे लगता है कि वो एलेक्स का पीछा कर रहा है। इसी बीच एलेक्स वहां से बड़े आराम से निकल जाता है। माइकल के किए गए हंगामे की वजह से कैसीनो का मालिक, जिसका नाम विक्टर है, उसे पकड़ लेता है। माइकल की वजह से विक्टर को 5 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। विक्टर उसे इंटेरोगेट करता है और उसे सारे पैसे लौटाने के लिए 1 वीक का टाइम देता है। माइकल उसे मना करता है क्योंकि उसने भी ये 5 मिलियन यूरो कमाने के लिए 3 महीने की मेहनत की थी। पर विक्टर की धमकी से वो डर जाता है और पैसे लौटाने के लिए मान जाता है। माइकल के पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पुराने दोस्त लियो के पास जाता है, जो एक छोटा कैसीनो चलाता है। यहाँ माइकल को कैसीनो में एक पेंडेंट मिलता है जिसका डिजाइन वैसा ही है जैसा एलेक्स के हाथ में टैटू था। लियो उसे बताता है कि ये सुपर पावर का एक सिंबल है। जिसके पास ये शक्ति होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आप क्या देख रहे हो वो इंसान उस विजन को बदल सकता है। और ये ठीक वैसा ही है जैसा माइकल के साथ हो चुका है, जिसमें उसके पास कार्ड असल में कुछ और थे पर माइकल को दिखाई दिए कुछ और। यहाँ दूसरी जगह एलेक्स की मुलाकात गॉर्डन नाम के एक शख्स से होती है। उसे वो पहले से जानता है। गॉर्डन ने ही एलेक्स के सभी एक्शंस को डिजाइन किया था, जिसका मकसद माइकल की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना था। यहाँ माइकल को लियो की एक डायरी मिलती है जिसमें सुपरनेचुरल पावर की इंफॉर्मेशन है। माइकल इस डायरी का इस्तेमाल करता है उन लोगों को ढूंढने में जिनके पास सुपरनेचुरल पावर है। उसे यकीन है कि ये लोग उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हैं। माइकल सभी लोगों को कन्विंस कर अपनी टीम बना लेता है। एरिक, जो बिना किसी चीज को हाथ लगाए उसे रोक सकता है और मूव कर सकता है। टोनी, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। केविन, जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। माइकल यहाँ लियो के कैसीनो में सबको इकट्ठा कर लेता है। माइकल यहाँ सबको उनका काम समझाता है और सिम्युलेटेड कैसीनो गेम को शुरू किया जाता है। शुरू में सब ठीक चलता है, पर अचानक सब बिगड़ने लगता है, क्योंकि पावर को कब, कहाँ और कितना यूज करना है ये उन्हें समझ में नहीं आता। और जो भी वो अपनी समझ से करते हैं वो कैसीनो में अलाउड नहीं होगा। माइकल फाइनली डिसाइड करता है कि उसे एक ऐसे इंसान को शामिल करना होगा जो इनके ख्यालों को कंट्रोल कर सके। माइकल यहाँ वेरोनिका से मिलता है। वेरोनिका के पास पावर है जिससे वो किसी तक भी अपनी बात उसके दिमाग तक पहुँचा सकती है, चाहे वो दूरी पर ही क्यों ना हो। माइकल उसकी पावर से अपनी टीम मेंबर से बात कर सकता है। उसकी इंस्ट्रक्शन सब लोगों तक पहुँच सकती है। माइकल फाइनली अपनी टीम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वेरोनिका एक ऐसी लड़की है जो किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती है। वो माइकल को भी इसमें कनेक्ट करती है। फिर माइकल ऑर्डर्स देता है जिसे वेरोनिका बाकी मेंबर्स तक पास ऑन करती है। एरिक को कहा गया वो वार्निंग बेल को रिंग करे। केविन को कहा गया कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग अपने आप डर से चीखने लगे। और टोनी को कहा गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट करे। ऐसा लगता है कि वेरोनिका के पास दूसरों की तुलना में सबसे ज्यादा शक्ति है। यहाँ तक कि वो हर किसी के मन में भूकंप का ख्याल पैदा कर सकती है, जिससे लोग तितर बितर हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। माइकल ने तब अपनी प्लानिंग की और अपने मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की। माइकल और उसकी टीम प्लान को शुरू करते हैं। वेरोनिका के पावर के साथ माइकल अपनी टीम को इजीली इंस्ट्रक्शन देता है और सब स्मूथली रन करता है। यहाँ जीत और फायदा आसानी से होने लगता है, पर यह फायदा ज्यादा देर नहीं चल पाता क्योंकि एरिक और टोनी कैसीनो में खो जाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते। वो अपनी पावर से और ज्यादा बैटिंग करते हैं और जीतते हैं, जिससे वो कैसीनो की नज़र में आसानी से आ जाते हैं और उनके पास गार्ड्स आ जाते हैं। उन्हें दूसरे रूम में ले जाया जाता है।
यहाँ इनकी किस्मत अच्छी थी कि माइकल केविन को कहता है कि वो गार्ड्स को हिप्नोटाइज करे, जिसकी वजह से दोनों बच जाते हैं। माइकल गुस्से में है, वो एरिक और टोनी दोनों से बहुत परेशान है। माइकल उन्हें समझाता है कि इससे उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है, और वो दोनों अब एग्री करते हैं कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद माइकल ने अपने मिशन को जारी रखा, लेकिन इस बार उन्होंने एक ही तरह के गेम यानी रोलेट गेम पर ही दाव लगाया। गेम को खेलते वक्त उसका टारगेट 5 मिलियन यूरो था, पर उन्होंने अपनी ट्रिक से 10 मिलियन यूरो जीत लिए थे। इतना बड़ा मिशन पूरा करने और मिलियंस जीतने के बाद उन्होंने कसिनो को इमीडिएटली छोड़ दिया और सी बीच पर अपनी जीत का जश्न मनाया। अगले दिन अचानक विक्टर उन सबका पीछा करता है। उसे उन सबके एक्ट और माइकल की टीम की पावर का पता चल जाता है। विक्टर उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अपनी इंटेंशंस बताता है कि वो सबको कसिनो में काम देना चाहता है, जिससे उसके कसिनो को फायदा हो। वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है और ये माइकल की टीम के साथ ही पॉसिबल है। माइकल विक्टर को अपने फ्रेंड्स देने से मना करता है। ये सुन विक्टर माइकल को शूट करने का ऑर्डर देता है। उसके सारे दोस्त उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और सबको मजबूरन विक्टर के साथ जाना पड़ता है, वरना वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा लगता है कि किस्मत अभी भी माइकल की तरफ है। विक्टर के आदमी ने माइकल को शूट कर दिया था। सबको लगता है वो मर गया, फिर भी वो बच जाता है क्योंकि वो गनशॉट मिस हो जाता है और उसे यहाँ बचाने का काम गॉर्डन करता है। यहाँ पता चलता है कि गॉर्डन माइकल का पिता है और वो दोनों पिछले 10 साल से कॉन्टैक्ट में नहीं है। माइकल समझ जाता है कि इतने वक्त से उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सब गॉर्डन की वजह से है, क्योंकि वो ये सब कुछ करवा रहा है। वो गॉर्डन पर गुस्सा होता है, पर गॉर्डन कहता है कि उसने जब भी और जो भी कुछ किया उसके भले के लिए ही किया, ताकि उसका टैलेंट निखर सके और उस टैलेंट का सही इस्तेमाल कर सके। यहाँ पता चलता है कि गॉर्डन के पास भी सुपरनेचुरल पावर है। माइकल अब अपने फ्रेंड्स को लेकर गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसकी मदद करने की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई, और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वो दोस्तों को बचाने के लिए भेस बदल कर आता है। फाइनली वो अपने दोस्तों से मिलता है, पर वहाँ वेरोनिका नहीं होती। यहाँ सभी लोग मजबूरन विक्टर के लिए काम करते हैं, पर वेरोनिका नहीं करती। वो माइकल की मौत के बाद से सबकॉन्शियस माइंड में रहने लगती है। उसके ऐसा करने से वो पिछले कई दिनों से कोमा में है। माइकल को वेरोनिका की परवाह होने लगती है, शायद वो उसे चाहने लगा है। वो फिर से एक नया प्लान बनाता है जिसमें वो वेरोनिका को बचा सके और विक्टर से छुटकारा पा सके। केविन सबको हिप्नोटाइज कर देता है। टोनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर लेता है। माइकल के फ्रेंड्स इस प्लान में उसका पूरा साथ देते हैं। किस्मत से वेरोनिका को बचा लिया जाता है। उसके इस प्लान का पता सिक्योरिटी को चल जाता है। बचने के लिए सब उस तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां विक्टर कसिनो का पैसा रखता है, क्योंकि इस कसिनो में वही एक सेफ जगह है जहां विक्टर से बचा जा सकता है। अब यहां से उनका निकलना मुश्किल है। प्रेशराइज होकर सब लोग एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। एरिक इन सबका जिम्मेदार माइकल को ठहराता है। माइकल फाइनली वेरोनिका के सबकॉन्शियस माइंड में जाने का फैसला करता है, जिसमें केविन उसकी मदद करता है। माइकल वेरोनिका के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। माइकल बहुत कोशिश करता है, पर वो लास्ट में वेरोनिका से अपने दिल की बात कहता है और किसी तरह उसका ध्यान अपनी बातों पर केंद्रित करता है, और इस कोशिश से वो वेरोनिका को कोमा से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ एक ही दरवाजा होता है जिससे वो वापस आ सकते हैं। हर दरवाजा उनकी मंजिल तक लेकर नहीं जाता। यहाँ माइकल अपनी जान की परवाह करे बगैर वेरोनिका को वापस लौट जाने के लिए कहता है। अब माइकल यहाँ अकेला रह जाता है। वो यहाँ अपने पिता से हुई मुलाकात के बारे में याद करता है, जिसमें उन्होंने उसे दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे तक पहुँचने के बारे में बताया था। यहाँ पता चलता है कि गॉर्डन की सारी सुपरनेचुरल पावर्स अब माइकल के पास आ गई हैं। गॉर्डन अपने बेटे को तराशकर उसके जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो ये शक्तियाँ उसे दे सके। गॉर्डन ने उस वक्त एक कंपस भी दिया था, जो उसकी शक्तियों का एक सिंबल है। तभी माइकल को अपनी शक्तियों का एहसास होता है। वो इससे पहले अपनी शक्तियों से अनजान था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जैसे वो माइकल के सबकॉन्शियस माइंड में आ गया हो, और ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ दूसरे सही दरवाजे की डायरेक्शंस देने आया है। यहाँ पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं, एलेक्स है, जिसे गॉर्डन ने माइकल के पास भेजा था ताकि वो उसकी मदद कर सके। यहाँ एलेक्स माइकल को उसके बीते हुए कल में वापस ले जाता है, जब उसे शूट किया जा रहा था। एलेक्स की मदद से माइकल अपनी जान गनशॉट से बचा लेता है, क्योंकि एलेक्स ने शूट तो किया था, पर उससे पहले उसने माइकल को साइड होकर गिर जाने को कहा और सबको लगा कि वो मर गया है। तभी माइकल को वेरोनिका होश में लाती है, जो पहले से माइकल की मदद से कोमा से बाहर आ गई थी।
माइकल यहाँ अपनी सुपरनेचुरल पावर्स को दिखाता है और अपने फ्रेंड्स को वहाँ से सारे पैसे लेकर निकलने के लिए कहता है। पहले सब लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते, पर फिर सबको रियलाइज होता है कि माइकल में वो काबिलियत आ गई है जिसमें वो दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड में जा सकता है और वापस भी आ सकता है, उनके माइंड को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो घटना पहले ही क्यों ना हो चुकी हो, वो वहाँ भी जा सकता है। माइकल यहाँ विक्टर के विजन को बदल देता है। विक्टर ये देखता है और समझता है कि सब लोग वॉल्ट को तोड़कर बाहर निकल गए हैं। विक्टर तभी सारे गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देता है। इसका फायदा उठाकर माइकल और उसके दोस्त कसिनो से बड़े आराम से बाहर निकल आते हैं। सभी लोग एक बीच पर जाते हैं जहाँ उन्हें एलेक्स मिलता है। एलेक्स यहाँ उनका पहले से इंतजार कर रहा है। एलेक्स ने यहाँ माइकल और उसके दोस्तों को नए काम के बारे में बताया जो उन सबको करना है। वो कहता है कि अब उन सब में और ज्यादा काबिलियत आ गई है, जिससे उनकी शक्तियों में और ज्यादा इजाफा हुआ है। तभी वहाँ किसी को दिखाया जाता है जो अपनी हथेली में आग का बवंडर पैदा कर सकता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि 3 महीने गुजर चुके हैं। माइकल और गॉर्डन साथ में कहीं जा रहे हैं। माइकल अगले मिशन के बारे में बात कर रहा है, तभी उन्हें बेहोश कर लिया जाता है और यही उनकी अगली शुरुआत होती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।